नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश योनिया शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको एक अलग ही टॉपिक बताने वाला हूँ जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और जो लोग बहुत समझना चाहते हैं कि कैसे इसका पता लगाएं। देखिए, आयु ज्ञात करने के लिए तो बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, बृहद पाराशर में दिए हुए हैं, बृहद जातक में दिए हुए हैं, जैमिनी ज्योतिष में भी है, अष्टक वर्ग का भी तरीका है, लेकिन कितने सही या कितने सही तरीके आते हैं, वो कैलकुलेशंस बहुत उनमें लंबी होती हैं, उनके द्वारा ये सब चीजें निकलती हैं, लेकिन उतनी कैलकुलेशंस करना एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल कठिन कार्य हो जाता है कि इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक पत्रिका लिखी जाए, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल पत्रिका इंसान के पास आती रहती है और वो अगर एक एक पत्रिका में कैलकुलेशन करने वो बैठ गया तो उसको 3 4 5 घंटे तो उसी चीज में लग जाएंगे। तो क्या चीज है ऐसी जिससे एक देख के बताया जा सके कि ये जो इसकी पत्रिका है ये अल्प आयु है, मध्य आयु है या दीर्घ आयु है, किस तरह की कितनी आयु इस इंसान की होगी, ये कैसे आइडिया लगाए। क्योंकि हम लोग बात करते हैं मारक खंड की, कि मारक ग्रहों की दशा आ रही है, दूसरा और सातवां ग्रह भाव हमारा मारक ग्रह होता है, दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह, 12वें भाव में बैठे ग्रह, ये अष्टम में बैठे हुए ग्रह ये मृत्यु दे सकते हैं। तो जब इनकी दशा आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये अब कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं आने वाली। ठीक है, जब इनकी दशा आती है तो कष्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर ये देखना चाहते हैं कि मृत्यु कारक कष्ट होगा या नहीं होगा, तो वो जब ही देख सकते हैं जब ये मालूम हो कि भाई ये पत्रिका से ये जातक अल्पायु लगता है या मध्यायु लगता है या दीर्घायु लगता है, और इस दीर्घायु के हिसाब से इस 75 की एज में या इस 78 की एज में ये मारक खंड की दशा आ रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ सावधान होने के लिए हमें उसको बोलना चाहिए। तो कैसे कुंडली कैसे देख के, पत्रिका को देख के आइडिया लगाएं कि क्या किस ग्रुप में होगा ये इंसान, उस ग्रुप का आइडिया अगर हमें लग जाता है तो बहुत आसानी से जब मारक खंड की दशाएं आती हैं तो उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि सावधानी की जरूरत है अथवा इतनी सावधानी की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, किसी भी कुंडली के अंदर आप तीन चीज चेक की चार चीज चेक कीजिए, लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्र। लगन चेक कीजिए, लगन अगर बलशाली है, लगन बली है उसका, लगन पे कोई पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रह नहीं बैठे हैं, लगन अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, लग्नेश पीड़ित नहीं है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में गया हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, सूर्य अच्छा है, सूर्य भी अच्छे भावों में गया हुआ है, उत्तम भावों में गया हुआ है, 6 8 12 में नहीं है, पीड़ित नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, चंद्रमा भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छे भावों में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे में अगर लग्न, लग्नेश, सूर्य या चंद्रमा सभी अच्छे हों तो इंसान की आयु पूर्ण आयु कहलाती है। अब पूर्ण आयु को मतलब देखा जाता है, माना जाता है कि 100 वर्ष तक ये इंसान जिएगा, अगर लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्र सारे ही ग्रह अगर उसके अच्छे हैं तो वो पूर्ण आयु कहलाता है। इनमें से तीन अच्छे हों, इन चार में से, लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्र में चार में से तीन अच्छे हों तो दीर्घायु, दीर्घायु आप समझ लीजिए वही 80 85 के आसपास की एज मानी जाती है, 90 के आसपास की एज मानी जाती है, तो इनमें से तीन अच्छे हों तो दीर्घायु, लग्न, लग्नेश एवं चंद्र तीन तीनों पीड़ित हो, अगर ये तीनों पीड़ित हो जाएं, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा, चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है क्योंकि चंद्रमा मन है, अगर लग्न भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है मानसिक रूप से भी, तो ऐसे में अल्पायु, और लग्न, लग्नेश अगर सूर्य पीड़ित हो और चंद्र बली हो जाए तो मध्यायु रहती है। मध्यायु आप मान सकते हैं, अल्पायु आप मान सकते हैं कि जैसे 40 45 साल, 50 साल, मध्यायु मान सकते हैं आप 65 साल, 66 साल, इस तरह के ग्रुप रेंज ले सकते हैं आप इसके अंदर। दीर्घायु मान सकते हैं आप मोर देन 80 ईयर्स, पूर्ण आयु मान सकते हैं आप 100 साल, 100 साल से ऊपर वो पूर्ण आयु मानी जाती है। और यदि लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्र में दो पीड़ित हों और दो अच्छे हों, इन चार में से दो पीड़ित हों, दो अच्छे हों तो दीर्घायु। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नियमों को याद करना बहुत जरूरी है, इन नियमों के द्वारा ही आप कुंडली देख के एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये जातक आया है, इस जातक की उम्र मध्यायु के करीब है, अल्पायु है, दीर्घायु है या
पूर्ण आयु है, ये चीजें इसमें आइडिया लगाई जा सकती है। इसका एक तरीका और भी बताया गया है। एक तो ये तरीका बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा तरीका भी बताया गया है इसका। उसमें बताया गया है कि आप तीन ग्रुप बना लीजिए। किस किस का ग्रुप बना लीजिए? लग्न लग्नेश का, लग्नेश का और अष्टमेश का एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया शनि और चंद्र का, और तीसरा ग्रुप हो गया लग्न एवं होरा लग्न। देखिए तीन ग्रुप हो गए हमारे पास, एक लग्न लग्नेश और अष्टमेश। लग्नेश कौन है, अष्टमेश कौन है ये देख लिया, एक शनि और चंद्र, और तीसरा लग्न और होरा लग्न। होरा लग्न निकालने की विधि कंप्यूटर में मिल जाती है कि होरा लग्न कैसे निकलता है। ये वो होरा लग्न नहीं है जो D2 चार्ट वाला होरा लग्न है, ये होरा लग्न अलग होता है जो सूर्य के लॉन्गिट्यूड के द्वारा निकाला जाता है। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि होरा लग्न कैसे निकालते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए हालांकि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग होरा लग्न निकाल सकते हैं, जैसे जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है या इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू होरा लग्न हम लोग निकाल सकते हैं। कई लग्न होते हैं, होरा लग्न, घटी लग्न, श्री लग्न, इस तरीके से इंदु लग्न, तो उन्हीं में से एक होरा लग्न भी होता है। तो लग्नेश और अष्टमेश का एक ग्रुप बना लिया, शनि चंद्र का एक ग्रुप बना लिया, और लग्न और होरा लग्न का एक ग्रुप बना लिया। उसमें क्या करते हैं, तो यदि आप लग्नेश और अष्टमेश का ग्रुप ले लिया आपने, यदि दोनों चर राशि में है तो दीर्घायु, यदि एक स्थिर में है दूसरा द्विस्वभाव में है तो भी दीर्घायु समझिए। अच्छा, ये जो नियम है दोनों चर राशि में है दीर्घायु, एक स्थिर में एक द्विस्वभाव में है दोनों तो भी दीर्घायु, ये आप लग्नेश अष्टमेश शनि चंद्र और लग्न होरा लग्न तीनों के लिए आप लगा रहे हैं इस चीज को। तीनों के लिए आप देख रहे हैं कि लग्नेश जो है वो किस राशि में बैठा हुआ है, वो चर राशि है या स्थिर राशि है या द्विस्वभाव राशि है। अष्टमेश किस राशि में बैठा हुआ है, चर में बैठा हुआ है, स्थिर में बैठा हुआ है, द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि दोनों में से एक चर राशि में है और एक स्थिर राशि में है तो भी आप उसको बोल सकते हैं कि दीर्घायु होगा, और दोनों में से एक चर राशि में हो दूसरा द्विस्वभाव में हो तो भी आप दीर्घायु बोल सकते हैं। यदि एक चर में हो और दूसरा स्थिर में हो तो मध्यायु, यानी लग्नेश मान लिया चर में है और अष्टमेश स्थिर राशि में है तो मध्यायु बोल सकते हैं। यदि दोनों द्विस्वभाव राशि में हो तो भी मध्यायु समझना चाहिए। ये पूरे ग्रुप के लिए है, ये पूरे ग्रुप के अंदर लगाना है आपने। यदि एक चर में दूसरा द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु, और दोनों स्थिर में हो तो अल्पायु योग समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों योगों को देखकर, तीनों में से या दो योगों में से जो आयुर्दाय सिद्ध हो उसी को ग्रहण करना, ऐसा बोला गया है कि ये तीनों योगों को देखें, ये तीनों ग्रुप को लगा के देखें कि कौन चर राशि में है कौन स्थिर में है। तो पहले लग्नेश और अष्टमेश के लिए लगा लें कि चर में है स्थिर में है, उससे दीर्घायु मध्यायु वगैरह लिख लें। फिर शनि और चंद्र के लिए लगा लें कि चर में है स्थिर में, उससे दीर्घायु मंदायु या अल्पायु लिख लें, और उसके बाद लग्न और होरा लग्न के अंदर ये चीज लगा लें, उससे दीर्घायु और अल्पायु और मध्यायु लिख लें। फिर देखें कि दीर्घायु किसमें मैक्सिमम आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है, जहां मैक्सिमम आ रहा है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान दीर्घायु होगा, ये जातक दीर्घायु होगा। तो ऐसे करके हम लोगों को ये करना चाहिए। तो इसमें तीनों योगों से तीन प्रकार से आयुर्दाय होता है, तो उस हालत में पूरा लगन से सिद्ध, अगर ये तीनों योगों से तीनों प्रकार से अगर आयुर्दाय सिद्ध हो जाए तो लगन होरा लगन से जो सिद्ध हो उसे ग्रहण करना, ऐसा कहा गया है। और अन्यथा इस हालत में यदि लग्न या सप्तम में चंद्रमा बैठा हो और शनि चंद्र से जो भी सिद्ध हो उसी आयु को ग्रहण करके आयुर्दाय को स्पष्ट करना चाहिए। तो यह आयुर्दाय स्पष्ट करने के कुछ नियम हैं कि तीन ग्रुप बना लीजिए, लग्नेश अश्मेश का, शनि चंद्र का, लग्न होरा लग्न का, और तीनों को अलग अलग देखिए। हर ग्रुप को देखिए कि कौन चर राशि में कौन द्विस्वभाव में, कौन चर में कौन द्विस्वभाव में, स्थिर में। इस तरह देखने के बाद उनकी एज को लिख लीजिए कि मध्यायु होगा दीर्घायु होगा, और तीनों में से सेटल कीजिए कि तीनों में से मैक्सिमम किस में आ रहे हैं वो देख लीजिए। अगर तीनों में समय बराबर आ रहे हैं, ये कैसा योग आ रहा है कि मध्यायु आ रहा है, इसमें मध्यायु आ रहा है, किसी में दीर्घायु आ रहा है, तो होरा लग्न और लग्न वाला लीजिए। होरा लग्न और लगन वाला फिर इंपॉर्टेंस बन जाता है, अगर तीन में से दो में से एक जैसा आता है तो होरा लग्न और लगन वाला आप लीजिए। तो ये एक तरीका है आयु को देखने के लिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि तीनों प्रकार से अगर दीर्घायु प्राप्त होती है, लग्न होरा लग्न से, लग्नेश से, अष्टमेश से, शनि से और चंद्र से, तीनों प्रकार से दीर्घायु प्राप्त हो तो 120 वर्ष बोलते हैं।
दो प्रकार से हो तो 100 वर्ष बोलते हैं, एक प्रकार से हो तो 96 वर्ष समझना चाहिए, ऐसा मतलब बोला जाता है। अब तो खैर इतनी उम्र लोगों की नहीं रह गई है, तो इसमें कुछ अपने तारतम्य से आप कुछ उम्र कम कर सकते हैं। तीनों प्रकार से मध्यायु हो तो 80 वर्ष, दो प्रकार से मध्यमायु हो तो 72 वर्ष, एक प्रकार से मध्यायु हो तो 64 वर्ष समझना चाहिए। तीनों प्रकार से अल्पायु निकलता है, शनि से, चंद्र से, लग्ने से, अष्टमी से, होरा लगन से, लगन से। तीनों प्रकार से अल्पायु प्राप्त होता है तो 32 वर्ष, दो प्रकार से अल्पायु प्राप्त होता है तो 36 वर्ष, एक प्रकार से अल्पायु प्राप्त हो तो 40 वर्ष समझना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कुंडली जब भी आपके पास आए तो जो प्रिंसिपल है, जैसे मैंने वो प्रिंसिपल बताया आपको, लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य, वो प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। उस प्रिंसिपल को लगा के देख लीजिए, उससे जवाब जो मिलते हैं वो एकदम सही जवाब मिलते हैं। और उसके बाद अगर और थोड़ा माइन्यूट में स्टडी करना चाहें तो ये जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र का प्रिंसिपल है, ये चर राशि, द्वि स्वभाव राशि, स्थिर राशि का जो 3 ग्रुप बना के किया गया है, इसको भी लगा के आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी एस्ट्रोलॉजी का भी और अष्टक वर्क का भी। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।